दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब सरकार ने एक बार फिर से सख्त होने का संकेत दे दिया है। दिल्ली सरकार बाजार बंद करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए छोटे स्तर पर लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। वहीं दिल्ली में अब शादी में 200 की जगह 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। यहां आपको बता दें कि 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में कोरोना के हालात की समीक्षा की थी। इधर देश में कोरोना से ठीक होने वालों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। 12 राज्यों में रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने प्रस्ताव भेज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होने वाले इलाकों बाजारों को कुछ समय के लिए बंद करने की अनुमति मांगी है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, मास्क नहीं लग रहे, ज्यादा भीड़ हो रही है, वहां हम लॉकडाउन कर सके, ऐसी हमें केंद्र सरकार अनुमति दे। दीपावली खत्म हो गई है, अगर कहीं पर जरूरत पड़ी तो सारी कोशिशों के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं प्रयोग किया जा रहा, वह इलाका लोकल हॉटस्पॉट बन सके, वो बाजार बंद किए जा सके, ऐसी अनुमति भी मांगी गई है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति के मद्देनजर कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। पहला तो ये कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में कोरोना की स्थिति में जब सुधार हुआ था तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को मद्देनज़र रखते हुए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के 200 तक की संख्या अलाउ की थी कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने LG साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दूसरा, हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए, ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने LG साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.